हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। हमारे पास ये कुछ क्लिप्स है, से पहले हम सेकंड क्लिप को फर्स्ट क्लिप के ऊपर ट्रैक करेंगे। जहाँ पर भी आप अपने इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, स्लाइडर को वहाँ पर ले जाएं, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। उसके बाद हम इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाकर ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे नॉर्मल टू स्क्रीन और ओपेसिटी थोड़ा कम करेंगे। नाउ अभी हम प्ले करके देखेंगे। नाउ अभी हम सेकेंड इफेक्ट की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा सेकंड इफेक्ट का क्लिप है। इस क्लिप को फर्स्ट क्लिप के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद स्लाइडर को सेकंड क्लिप के फर्स्ट फ्रेम पर सेट कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू टैब ओपन होगा, फॉर्मेट में JPEG सेलेक्ट करेंगे। अगर अनचेक होगा तो चेक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग करके सेकंड क्लिप के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। यहाँ पे ओपेसिटी में जाकर पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। अब हम एक मास्क क्रिएट करेंगे लाइक दिस। मास्किंग के बाद लेयर वन आईज आइकन पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। लेयर वन के आईज आइकन पर अगेन क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से 15 फ्रेम पीछे स्लाइडर को सेट कर देंगे। सेकेंड क्लिप को स्लाइडर के पास अटैच कर देंगे। नाउ उस क्लिप को लेयर वन के फर्स्ट और सेकेंड क्लिप के बीच में सेट करेंगे। सेट करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाकर मास्क के अंदर मास्क एक्सपेंशन थोड़ा कम करेंगे लाइक दिस एंड ब्लेंडिंग मोड को भी चेंज करेंगे नॉर्मल टू स्क्रीन। सो ये मेरा जो सब्जेक्ट है, इसे मैं राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट करने के बाद डुप्लीकेट करेंगे 2 times लाइक दिस। नाउ मिडल क्लिप को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाकर पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के पहले मेक श्योर कि आपका स्लाइडर मिडल क्लिप के फर्स्ट फ्रेम पर हो। नाउ अब हम की फ्रेम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे लाइक दिस। उसके बाद कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद यहाँ पर की फ्रेम को रीसेट कर देंगे, जिससे कि हमारा एक नया की फ्रेम ऐड हो जाएगा। सॉरी, इस की फ्रेम को मिडल क्लिप के एंड में सेट कर देता हूँ। सेम प्रोसेस अब हम फर्स्ट क्लिप में करेंगे। नाउ अगेन पोजीशन पर जाकर की फ्रेम ऐड करेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे लाइक दिस। अगेन फर्स्ट क्लिप के एंड में जाकर स्लाइडर को सेट करेंगे एंड यहाँ पर पोजीशन में जाकर रीसेट कर देंगे, जिससे कि हमारा फिर से की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अभी हम सब की फ्रेम को इवन इज आउट करेंगे। नाउ अब हम प्ले करके देखेंगे। मैं अभी फर्स्ट और सेकंड क्लिप को कुछ फ्रेम राइट साइड में शिफ्ट करूंगा लाइक दिस। और मैं यहाँ पर इन दोनों क्लिप को कट कर दूंगा। सेट करने के बाद प्ले करके देख सकते हो। अब हम थर्ड इफेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो गाइस, ये हमारा थर्ड इफेक्ट का क्लिप है। तो मैं स्लाइडर को वहाँ पर सेट करूँगा जहाँ पर मुझे इफेक्ट क्रिएट करना है एंड कैमरा आइकन पर जाकर क्लिक करूँगा। सेम हमारा पहले जैसा टैब ओपन हो जाएगा, सेम सेटिंग सेट करेंगे। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट में जाकर स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस क्लिप के ऊपर। इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाकर नॉर्मल टू स्क्रीन थोड़ा सा स्केल अप कर देंगे एंड ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। नाउ अब हम प्ले करेंगे। नाउ सेम इफेक्ट अगेन क्रिएट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। नाउ अभी हम प्ले करके देखेंगे।